ये जो पुल देख रहे हैं इसका हमने 2 बार पास करवाया, और ये कुछ लोग हैं इसमें ये बनने नहीं देते हैं। कुछ कोई विकास नहीं हुए भैया, वादा करके गए सांसद जी, मैं माता जी, कुछ नहीं विकास के नेता हैं, इनसे कभी आपने नहीं कहा? सब कहा है, कहा रास्ता से नहीं आ जा रहे हैं बराबर। हमको झांसा दिया कि साथियों मैं आपकी माँ हूँ, मैं सुल्तानपुर की माँ हूँ, मैं आप लोगों को इस गढ़े में नहीं देख सकती कि इनका जो झांसा था राम और निषाद राज का मित्रता का, वो अब नहीं चलने वाला है। यह कि राम मोहन यहाँ से जीतेंगे, ये निश्चित है। ये जीतेंगे यहाँ से, ये निश्चित है। हाँ, की मार बहुत हो गई, लोग परेशान हैं, हर चीज से परेशान है, गाड़ी खड़े खड़े सड़ जा रही है। पत्रकार महोदय नौकरी वोकरी सोच से निकाल दीजिए, अबे यहाँ से चलना महाभारत है, 200 मीटर रास्ता है यहाँ, देख ली 200 मीटर बनना चाहिए। नमस्कार, आज 38 लोकसभा सुल्तानपुर में हम मौजूद हैं। ये है ढकवा ग्राम पंचायत के चुनहा पुरवा है, जहां पे ज्यादातर आबादी निषाद बस्ती है। तो आज यहाँ पर हम यहाँ की हकीकत देखने आए हैं कि अब तक 10 सालों में क्या विकास हुआ है, प्रधान ने क्या विकास कराया है, यहाँ के सांसद ने क्या विकास कराया है। और आपको बता दें कि 25 मई को यहाँ पर लोकसभा का चुनाव है, भाजपा से निवर्तमान सांसद मेनका गांधी प्रत्याशी हैं, और सपा ने गोरखपुर के रहने वाले रामभुआल निषाद को प्रत्याशी बनाया है, जो इंडिया गठबंधन से हैं, और बसपा से उदराज वर्मा यहीं के स्थानीय निवासी हैं, वो मैदान में हैं। तो आइए जानते हैं आप किस पार्टी की राजनीति करते हैं भाई साहब। मैं भारतीय जनता पार्टी सेक्टर संयोजक हूँ। यहीं के आप रहने वाले हैं? सुनील निषाद मेरा नाम है। अच्छा, तो कुछ विकास उकास हुआ है आपके पूर्व गांव में? विकास बहुत हुआ है सुल्तानपुर में। सुल्तानपुर में नहीं, आपके इस हम गांव की बात कर रहे हैं। गांव में हमारे देखिए, यहां गांव में ये जो पुल देख रहे हैं इसका हमने 2 बार पास करवाया, और ये कुछ लोग हैं इसमें ये बनने नहीं देते हैं, इसीलिए अभी चर्चा हो रही है। इस रास्ते समा रहे हैं, रास्ता अभी भी वैसे ही है, डंडी के रूप इसके बनवाने के लिए 2 बार पास हुआ था ये पुल, नहीं बनने दे रहा। ये सही कह रहे हैं? कोई कुछ नहीं हुआ अभी, कुछ कोई विकास नहीं हुआ भैया, वादा करके गए सांसद जी, मैं माता जी, कुछ नहीं विकास। नेता हैं, इनसे कभी आपने नहीं कहा? सब कहा है, कहा रास्ता से नहीं आ जा रहे हैं बराबर आ जा रहे हैं। और कुछ है जैसे आपके गांव में और कोई अभाव, जैसे राशन वगैरह तो मिल रहा है? राशन मिल रहा है, लेकिन चल नाली देख लीजिए सर, नाली वही पूरा नाली टूटी फूटी नाली है, और रोड भी सही नहीं है, खड़ंजा है टूटा फूटा। तो इस बार कई लोग जो वर्तमान सांसद रही हैं, मेनका गांधी भी चुनाव मैदान में हैं, बसपा इंडिया गठबंधन से राम भुआल निषाद हैं, और बसपा से जो है उदराज वर्मा है, इस बार क्या इरादा है आपका? अब की हमारे सबका इरादा है राम भुआल को जिताएंगे और जिता के लाएंगे, मतलब सत्ता परिवर्तन। हाँ, सत्ता परिवर्तन करना है। क्या सही है, क्या विकास हुआ है आपके गाँव में? कुछ कुछ नहीं, कोई विकास नहीं हुआ है। राशन तो मिलता है? हाँ, राशन तो मिल जाता है, और एक अलावा गैस वैस घरे में? गैस वैस है, लेकिन पैसा जो है पड़त है। आवास? आवास मिली है भाई, आवास मिली है। तो ये जो रास्ता का है ना बन पाते है, का वजह है? अभी हम नहीं सब जाना भाई, अब ना बता सकते। रास्ता रास्ता ये तो इतना ही है कि इधर से जाना चाहे शहर तो आधा किलोमीटर में शहर पहुँच जाएगी, लेकिन इसके अलावा यदि आप घूम के जाएंगे तो 3-4 किलोमीटर के अंदर। आप क्या चाहते हैं, रास्ता बन जाए? हाँ, रास्ता बन जाए, पुलिया बने चाहे। सांसद जी से विधायक जो है यहाँ, वो भी भाजपा के इंसान से नहीं मुलाकात हुई कभी? नहीं, कभी नहीं, कभी उबे ना के हैं क्यों? अच्छा, कहाँ देख पड़ा? तो इनसे अपने मिला होते जाएगा, कुछ मांग करते भाई? अब मिला तो ना गया है। अच्छा, क्या हाल चाल है, क्या चाहते हैं आप गाँव के विकास के लिए? नहीं देखिये, जो है यहाँ पर साल 2019 में माता मेनका गांधी जी यहाँ बहुत बड़ी जनसभा की थी, सुल्तानपुर में सबसे बड़ी जनसभा यहीं की थी, जो यहाँ के तमाम निषादों ने, मैं खुद स्वयं, मैं और हमारा एक दोस्त था विकास निषाद, हमारे ही घर के बगल का है, हम दोनों लोग ट्रैक्टर के हल पर बैठ के पूरे दोपहर धूप में, कड़कती धूप में हम लोग पूरा बराबर करे, जनसभा को सफल बनवाए। किस लिए? कि उन्होंने हमको झांसा दिया कि साथियों मैं आपकी माँ हूँ, मैं सुल्तानपुर की माँ हूँ, मैं आप लोगों को इस गढ़े में नहीं देख सकती
रास्ता बनवा देंगे, रास्ता इसको बनवाएंगे हम और तमाम हमारे साथी हैं। बताइए, एक अगर एक दो पंडित जी का अगर खेत पड़ रहा है, अगर वही गरीब का घर पड़ता है तो उस पर बुलडोजर चल जाता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ माता मेनका गांधी से, इस पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? मतलब कुल मिला के रास्ता बनना चाहिए, रास्ता बनना चाहिए, रास्ता एक व्यक्ति के लिए नहीं है। वो तो रास्ता क्यों नहीं बना? क्योंकि ये बाहुल्य क्षेत्र है हमारे मोस्ट समाज का, मराठी ओबीसी एससी एसटी का, इसलिए नहीं बना रोड। सबसे ज्यादा बस्ती लगभग 300 घरों की निषाद की ही है, मुस्लिम की। हाँ हाँ, हमारे मराठी ओबीसी और एससी बाहुल्य क्षेत्र है। हर बार तो इसी मत से वोट से लोग जीत जाते थे, इस बार इनका क्या इरादा है कि इसका वोट नहीं चाहिए? हर बार जो था वो राम और निषाद राज की मित्रता बताते थे, लेकिन ये हमारे लोग समझ चुके हैं कि इनका जो झांसा था राम और निषाद राज का मित्रता का, वो अब नहीं चलने वाला है। क्योंकि 70-77 साल से हमारे पूर्वज, हमारे दादा पापा पुरखो सभी लोग ने आज इन लोगों को वोट देकर जिताते हुए आए हैं। लेकिन आज हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारा खून खानदान जब खड़ा हुआ है तो उनका कर्तव्य बनता है कि हमारे लोगों के साथ खड़े हो। जैसे मतलब इस बार निषाद, बिल्कुल उन्हीं को वोट देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उनके कौन भरोसा है? पिछली दाएं ये 5 साल रही हैं, इन पर विश्वास ना जाए तो गोरखपुर वाले कौन भरोसा? हमारा वोट जो है व्यक्तिगत क्या कहते हैं बिरादरी के ऊपर नहीं है, जातिवाद पे नहीं है। हमारा वोट जो है संविधान बचाने पर है। पीडीए गठबंधन को वोट दे रहे हैं हम। तो क्या ये इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी? बिल्कुल सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी। सही कह रहे हैं भाई, सरकार तो ऐसे नहीं बन पाएगी, लेकिन यह राम भगवान यहाँ से जीतेंगे, निश्चित है। आप क्या चाहते हैं? यदि वो जीतते हैं तो आप क्या चाहते हैं, क्या बोलना? वो जीतेंगे, जीतेंगे तो बहुत बड़ा काम होगा। यहाँ जो पुल नहीं बना, अभी रोड नहीं बना, ये सब बनेगा। अच्छा हाँ, और जो विकास अधूरा है वो भी होगा, विकास अधूरा है। कुछ काम तो प्रधान का काम है, कुछ काम विधायक का है, ये लोग भी कुछ कर रहे हैं, किए हैं कि नहीं? अरे प्रधान वर्धान कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ यार, बिरादरी का प्रधान है? प्रधान हमारी बिरादरी नहीं है, लल्लू गुप्ता है वो। नहीं नहीं, यहाँ पे जो प्रधान है ढकवा के, अरे ये वो अलग बस्ती है, वो अलग ग्राम सभा लगती है, उधर लगती है, ये चुनाह बस्ती लगती है, इधर अलग ग्राम सभा है। इसमें कुछ नहीं हुआ अभी काम। अच्छा, ना यहाँ कोई सांसद आता है, ना कोई विधायक आता है। परिवर्तन चाहते हैं साहब। परिवर्तन क्या है? महंगाई की मार बहुत हो गई, लोग परेशान है, हर चीज से परेशान है। गाड़ी खड़े खड़े सड़ जा रही है, पेट्रोल डालने की पैसा नहीं है। 400-500 कमाने वाला महंगाई से इस तरह मर रहा है, रोज कमा रहा है, रोज खा रहा है, दो पैसा बैलेंस नहीं बना पा रहा है। और ये सबसे बड़ी समस्या हमारी ये रोड की है। अब तो महंगाई इतनी कम नहीं होगी, जब बढ़ गई तो कम होना नहीं होगी साहब, लेकिन आगे भी नहीं। लेकिन ये तो बिजनेसमैन गवर्नमेंट है, ये जो गवर्नमेंट है ये बिजनेसमैन है, ये बिजनेस कर रही है। इस देश को लूटने का सही तरीका ये लोग ही कर रहे हैं, दो बेच रहे हैं, दो खरीद रहे हैं। हाँ, नौकरी है, क्या हाल चाल है? नौकरी उसके अपने सर, बहुत महामारी है, क्या बोलते, बहुत कंपटीशन भी है और नौकरी बहुत हैं। जो भी नौकरी आती है पर्चा लीक हो जाता है, पर्चा तो हाँ फिक्स है, पर्चा तो लीक हो जाता है। और क्या बोलते हैं, सुल्तानपुर कूड़ेभार में नरेंद्र मोदी सर आए थे चाचा, तो वहाँ पर सरकारी बस मतलब बहुत सारी मतलब व्यवस्था की थी वहाँ जनता को बुलाने के लिए। लेकिन पेट के पेपर हुआ था, अभी पेट के पेपर हुआ था बीच में, बच्चे को मतलब पैसे देने के बावजूद भी मतलब पेपर देने के जा भी नहीं रहे थे, मतलब जा भी नहीं पा रहे थे वहाँ, ऐसी हाल थी। मतलब वहाँ बुलाने के लिए मोदी चाचा इतना अपनी व्यवस्था को इकट्ठा करने, पेपर अगर बच्चे जा रहे हैं कुछ तो व्यवस्था कर सकते हैं, उस तरह भीड़ ना इकट्ठा होती, बस बस के सब करके व्यवस्था बनाए थे। हाँ, जब कूड़ेभार में हम लोग भी खुद भी गए थे वहाँ पर जब बुलाए थे। अब आप क्या चाहते हैं फिर, मोदी सरकार की? नहीं, परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं और मोदी सरकार नहीं। सुन रहे हैं नेताजी, आपके मतलब सरकार में संविधान बदलने की बात, संविधान बदलने की जो बात कही, संविधान अगर भीमराव अंबेडकर अगर दोबारा आ जाए वो भी नहीं बदल सकते हैं। ये तो आपके मोदी हमारे जी, कहते हैं। जी, और जो सत्ता है अभी हमारी चारों तरफ, हमारी सत्ता भी है, अगर चाहते तो हम लोग बदल सकते थे, उसमें बदला नहीं जा सकता है, संशोधन सिर्फ करा जा सकता है कुछ, लेकिन संशोधन भी अभी नहीं हुआ। सुनिए पहले बात हमारी, संविधान अगर अगर बाबा साहब अम्बेडकर भवन के बाहर संविधान को जलाया गया, संविधान की बेहुदा नहीं बदल सकते हैं इस देश के अंदर, अलग अलग और इनकी कोशिश है संविधान बदलने की, जो कि इनसे हो नहीं पाएगा। संविधान बदलने की इनकी कोशिश है, सही
क्या हाल है चाचा, कहाँ के रहने वाले हैं? सब हमारा ग्राम सभा करौंदिया देहात। कुछ विकास उकास हुआ है? विकास जीरो है, जीरो है, कुछ नहीं है। किसान परेशान है। हमारा कम से कम 2 बीघा का खेत गेहूँ छुट्टा जानवर चपोपट जानवर की तो बड़ी समस्या है। हम मेन चीज छोड़े क्या है? हाँ, छोड़े के है? सरकार छोड़ाई है। कहे जानवर तो हार छोड़ाए सरकार है भाई। अब जानवर का नई बस्ती है बगल, कम से कम 100-100 को झुंड आती है। गाय साढ़ बकरी, गाय साढ़ अधिकतर है, और उसके पहले नीलगा थे। कुछ विकास भा है? कुछ ना, जीरो। प्रधान प्रधान तो करे चाहिए। प्रधान के विकास नालियों खड़ंजा है। अब विधायक का है? विधायक के काम है रोड पुल। सांसद का काम? और सांसद काम बड़ा है, जैसे यूनिवर्सिटी बनवा दे, ज्यादा ज्यादा फैक्ट्री लगवा दे। सब तो कहा था, ये सांसद कह रहे हैं, वादा कह रहे हैं। हाँ, पिछली बार आए तो हम देखा, हम सब विपक्ष में है, विपक्ष में है। एनडीए गठबंधन के समर्थक है, उनका 10 साल से कार्यकाल रहा है, 14 से लेके 2000 अभी तक। एनडीए गठबंधन से ही निषाद है, राम भुवाल निषाद। जी जी जी। तो क्या हाल रहे उनके? सर देखा, उनका समर्थन हम सब कर रहे हैं। अगर राम भुवाल निषाद के नाम भी तब भी नहीं होते। वर्तमान सांसद पर तुम्हें भरोसा ना है ना? जो गोरखपुर से आया है वो पे कितना भरोसा करवा? सर हमें गोरखपुर और राम भुवाल को नहीं देखना है, मुझको कुल मिला के इंडिया गठबंधन को जिताना, सरकार बदलनी है, बदलनी है, परिवर्तन होना। बिल्कुल। क्या हाल है भाई, नौकरी वोकरी क्या हाल चाल है? अरे पत्रकार महोदय, नौकरी वोकरी सोच से निकाल दीजिए। अबे यहाँ से चलना महाभारत है, 200 मीटर रास्ता है यहाँ, देख लीजिए 200 मीटर। ये बनना चाहिए किसके किसी या यहाँ लोकल नेता होता से कह के नहीं करवाए? श्याम बहादुर पांडे जी आश्वासन दिए थे माता जी से कह कराएंगे। 2019 में यहाँ पे जनसभा किए थे माता जी, हम 2000 लोगों को हम लोग इकट्ठा किए थे। माता जी आश्वासन दे के चली गई, आज 5 साल अभी तक माता जी नहीं आई है, वोट मांगने तक भी अभी नहीं है। और ये देख लीजिए रास्ता, सबसे जटिल समस्या हमारी रास्ता की है, और बिजली पानी बाकी समस्या खाली सरकार में आश्वासन नहीं दिया जा रहा है, काम नहीं किया जा रहा है। तो ये यहाँ थे कुछ चुनहा के वोटर्स, जिन्होंने बेबाकी से बताया कि हमारे यहाँ विकास नहीं हुआ है, प्रमुख रूप से सड़क की समस्या है, जिसको सांसद ने कहा भी था, यहाँ के लोकल स्थानीय नेताओं ने भी कहा था कि मैं इसको जरूर करवाऊंगा, लेकिन वो अपने वादे पे खरी नहीं उतरी। फिर मिलते हैं, बने रहिए दस्तक भारत के साथ। धन्यवाद।